गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारा आज का जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज़ फाइनेंशियल सिस्टम एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दो टर्म्स हैं, फाइनेंशियल सिस्टम एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है, इसे हम फर्स्ट चैप्टर में अच्छे से क्लियर करके आए हैं कि फाइनेंशियल सिस्टम क्या है। सबसेट है जो फोर फाइनेंशियल सिस्टम के, फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल एसेट्स एंड फाइनेंशियल मार्केट्स, उन सब के इंटीग्रेशन को हम फाइनेंशियल सिस्टम कहते हैं। फाइनेंशियल सिस्टम आपका जो है उसका मेन मोटिव क्या होता है कि जो सेविंग्स है उसको इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करना। अब जब सेविंग्स को आप इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करोगे तो उससे क्या होगा, प्रोडक्शन होगी, किसी ना किसी तरीके का प्रोडक्टिव एक्टिविटी होगी। जैसे रोड्स बनाओगे आप, या बिल्डिंग्स बनाओगे, या बैंक्स खोलोगे आप, या हेल्थ फैसिलिटीज इंप्रूव करोगे, एजुकेशन इंप्रूव करोगे, एयरपोर्ट्स, ट्रांसपोर्ट आप इंप्रूव करेंगे, तो उससे कैपिटल फॉर्मेशन होगी। कैपिटल फॉर्मेशन से इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। हमने जब फर्स्ट चैप्टर किया था तो वहाँ पे हमने एक डायग्राम भी आपको एक्सप्लेन किया था, जहाँ पे हमने दो डायग्राम्स के बारे में बात की थी कि फाइनेंशियल सिस्टम कैसे इंटीग्रेशन है और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो कैसे होती है। फाइनेंशियल सिस्टम से कैपिटल फॉर्मेशन होती है और कैपिटल फॉर्मेशन से इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है। तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर है कि फाइनेंस की हमें ज़रूरत पड़ती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। फाइनेंस को इसीलिए लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस कहा जाता है। हर एक बिजनेस को फाइनेंस की ज़रूरत होती है अपनी एक्टिविटी करने के लिए, और एक्टिविटीज़ कहाँ हो रही है, इकोनॉमी में हो रही है, और इकोनॉमी किसकी है, कंट्री की है। तो इट मीन्स कि हम ये कह सकते हैं कि हर एक कंट्री को अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए फाइनेंस की ज़रूरत होती है। तो फाइनेंस क्यों हम डिवाइड करते हैं तीन कैटेगरीज में, कि रिक्वायरमेंट जो है फाइनेंस की आपको किस लिए चाहिए, उसे तीन कैटेगरीज में हम डिवाइड कर रहे हैं। पहला है लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट, मीडियम टर्म रिक्वायरमेंट एंड शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट। तो पहले हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट की। लॉन्ग टर्म के लिए जो आपको पैसा चाहिए होता है वो 5 से 7 साल से ज़्यादा के लिए चाहिए होता है, और उसका मेन पर्पस क्या होता है, मतलब वो पैसा आपको लॉन्ग टर्म में जो चाहिए वो किस पर्पस के लिए चाहिए होता है। वो आपको चाहिए होता है फिक्स्ड एसेट्स परचेज करने के लिए, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस मीट आउट करने के लिए, और इसी तरीके की अदर एक्टिविटीज़ के लिए। देन बात करते हैं मीडियम टर्म रिक्वायरमेंट की। मीडियम टर्म रिक्वायरमेंट का जो पीरियड है वो 1 से 5 साल या 1 से 7 साल होता है, और ये जो फंड्स आपको चाहिए होते हैं वो चाहिए होते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ मशीनरी के लिए, इक्विपमेंट के लिए, या उसमें किसी तरीके की मॉडिफिकेशन आपने करनी है, या फिर आपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस आपको करने हैं, उन पर्पसेस के लिए आपको मीडियम टर्म रिक्वायरमेंट की ज़रूरत, मीडियम टर्म फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है, रिक्वायरमेंट पड़ती है। देन आता है शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट, जो लोन या जो पैसा आपको लेस देन 1 ईयर के लिए चाहिए तो उसे हम शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट के अंडर डालते हैं। ये आपको रूटीन जो आपके टाइप ऑफ एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे गुड्स को परचेज करना, पेमेंट करना, वेजेस की, रेंट सेक्टर जैसी जो एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए आप ये यूज़ करते हो। तो ये थी तीन कैटेगरीज जहाँ पे हम ऑन द बेसिस ऑफ टाइम हम कहते हैं कि हमें रिक्वायरमेंट होती है फाइनेंस की, दैट इज़ लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट, मीडियम टर्म रिक्वायरमेंट एंड शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट। अब सोर्सेज क्या हैं इनके, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट के लिए कौन कौन से सोर्सेज हैं जहाँ से आप पैसा रेज कर सकते हैं। तो सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस में सबसे पहला है ओन सोर्स। ओन सोर्स का मतलब कि जो एंटरप्रेन्योर है, जो ऑनर्स हैं बिजनेस के, वो अपना पैसा यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें जो भी आपका बचा हुआ प्रॉफिट होता है पास्ट ईयर्स का, वो आप दोबारा से री इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ओन सोर्सेज में आपका जो बिजनेस है, एंटरप्रेन्योर है, जो भी उसने पहले से अपना सेविंग्स बचा के रखी है वो उसी को दोबारा री इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, बिजनेस की जो नीड्स हैं उसको कम्प्लीट करने के लिए। देन आता है आपका डिबेंचर्स। डिबेंचर्स जैसे फिक्स्ड कैपिटल प्रोवाइड करवाता है कंपनी को, और डिबेंचर्स ऑनर्स नहीं होते हैं,
वो क्रेडिटर्स होते हैं कंपनी के, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स जो हैं आप इशू कर सकते हैं, रिडीमेबल, इरिडीमेबल, रजिस्टर्ड और बेयरर डिबेंचर्स। देन लोन्स फ्रॉम इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जो इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो इंडस्ट्रीज को लोन प्रोवाइड करवाते हैं वहाँ से आप लोन ले सकते हैं, जैसे कि स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी जिसे हम कहते हैं, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन, स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन एक्सेट्रा, जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनका मेन पर्पस ही यही है, उन्हें बनाया ही इसलिए गया है कि वो लोन प्रोवाइड करवाएं इंडस्ट्रीज को। देन आता है लोन्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स, आप ले सकते हैं बोथ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए, जो कमर्शियल बैंक्स है आप उससे लोन ले सकते हैं, ट्रेड इंडस्ट्री और अदर इकोनॉमिक सेक्टर्स। देन पब्लिक डिपॉजिट्स, पब्लिक से जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वो डिपॉजिट गार्नियर कर सकता है, जो ये यूजुअली अनसिक्योर्ड होते हैं और इनके लिए भी जो आरबीआई की गाइडलाइंस है वो कंपनी को फॉलो करनी पड़ती हैं। देन फॉरेन सोर्सेज हो सकते हैं कि आप अपनी कंट्री के बाहर से आप पैसा अरेंज कर रहे हो, तो वो कैसे अरेंज कर सकते हो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के थ्रू हो सकता है, जहाँ पे जो फॉरेन कंट्रीज में आपके इंडिविजुअल्स और फॉरेन कंपनीज हैं, चाहे वो प्राइवेट है चाहे पब्लिक है, वो आपकी कंट्री में पैसा इन्वेस्ट कर सकती है। वो दो तरीके से कर सकती है, एक है आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसमें जो फॉरेन नेशनल्स होते हैं, मतलब जो फॉरेन इंडिविजुअल्स हैं या फॉरेन कंपनीज हैं, मतलब जो भी दूसरी कंट्री से पैसा लगा रहा है आपकी कंट्री में, वो फुल ऑनरशिप और मैनेजमेंट चाहता है जो भी चीज़ वो पैसा लगा रहा है उसके अंदर, वो किस तरीके से मिलती है उसको, वो यहाँ पे आके अपनी इंडस्ट्री सेटअप करता है या कंपनी सेटअप करता है, फुल ऑनरशिप उसके पास है, तो उसे हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। जब पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इसका दूसरा पार्ट है, जब हम पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में जो पर्सन है, फॉरेन इंडिविजुअल या फॉरेन कंपनी जिसे हम कह रहे हैं, वो आपकी कंट्री में आके आपकी कंट्री में जो ऑलरेडी कंपनीज हैं उनके शेयर्स और डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करती हैं, उनको वो परचेज करती हैं। नेक्स्ट, आप फॉरेन गवर्नमेंट और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से लोन ले सकते हैं, जैसे कि वर्ल्ड बैंक हो गया, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन हो गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, ये बोथ पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स को लोन प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट हो गया आपका फॉरेन कमर्शियल बोरोइंग्स, जो लोन्स हैं आप फॉरेन कमर्शियल बैंक से ले सकते हो, NRI से ले सकते हो, नॉन गवर्नमेंट सोर्सेज से भी आप ले सकते हो। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है कमर्शियल बोरोइंग्स पे वो ज़्यादा होता है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप देते हो, जो लोन अगर आप फॉरेन गवर्नमेंट से या इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले रहे हैं। तो ये थे हमारे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, दैट इज़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम किसे कहते हैं? इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो मीनिंग है वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहा है। पहले हम जब कहते थे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है तो हम कहते थे कि नेशनल इनकम अगर कंट्री की इंक्रीज हो रही है तो हम कहेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है। फिर हमने कहना शुरू किया कि अगर पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो रही है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है। बट रिसेंट ईयर्स में इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स को हम कहते हैं कि अगर इम्प्रूवमेंट हो रही है हेल्थ फैसिलिटीज़ में, एजुकेशन फैसिलिटीज़ में, ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में विद इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम, तो उसे हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहेंगे। तो जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसे हम दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि माल न्यूट्रिशन में कमी आ रही है, डिजीजेस में कमी आ रही है, इलिटरेसी में कमी आ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट में कमी आ रही है, इनइक्वालिटीज में कमी आ रही है, तो उसे भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहा जाएगा। देन इसके अप्रोचेज हम देखते हैं, दो तरीके की अप्रोचेज हैं। पहला है क्लासिकल अप्रोच या ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ डेवलपमेंट हम इन्हें कहते हैं। तो इसमें क्या है कि यहाँ पे हम जो देख रहे हैं कि हम किस चीज़ को इकोनॉमिक डेवलपमेंट मानेंगे। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर हम देखें डेफिनेशन रिगार्डिंग इंक्रीज इन नेशनल इनकम, तो क्लासिकल व्यू और ट्रेडिशनल अप्रोच के साथ हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट तब कहते हैं कि अगर किसी कंट्री की नेशनल इनकम इंक्रीज हो रही है तो उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है। देन डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू इंक्रीज इन रियल पर कैपिटा इनकम अगर हम कहें, तो हम मानते थे कि अगर कंट्री में रियल पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो रही है जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है। देन मॉडर्न व्यू ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या कहता है कि जहाँ पे आपकी रियल पर कैपिटा इनकम तो इंक्रीज हो रही है लेकिन उसके साथ साथ इकोनॉमिक वेलफेयर भी हो रहा है,
ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो उसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहा जाता है। इसका मतलब कि जो बेसिक सेटिस्फेक्शन है लोगों को, नेसेसिटीज जो है लोगों की, वो अगर मिल रही है तो हम उसको इकोनॉमिक डेवलपमेंट मानते हैं। जो मॉडर्न अप्रोच है उसके अकॉर्डिंग हम कहते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अगर आपका पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो रहा है, अगर आपका इकोनॉमिक वेलफेयर इंक्रीज हो रहा है, अगर आपकी हेल्थ फैसिलिटीज इंक्रीज हो रही हैं, इम्प्रूव हो रही हैं, आपको बेटर एजुकेशन फैसिलिटीज मिल रही है, आपके रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन हो रहा है, तो हम कहेंगे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है। नेक्स्ट जो मेन टॉपिक आता है, दैट इज़ रोल क्या है फाइनेंशियल सिस्टम का इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। ये जैसे कि हमने ऊपर भी पढ़ा कि जो आपकी फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, इनके थ्रू जो मनी है वो रोटेट हो रही है, मनी जो है वो जनरेट हो रही है इकोनॉमी में, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए आपको फाइनेंस की ज़रूरत है, ताकि जो ये फैसिलिटीज़ हम कह रहे हैं, जो हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मीनिंग में कह रहे हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ इम्प्रूव हो, एजुकेशन इम्प्रूव हो, वो सारी जो चीज़ें हैं वो इम्प्रूव हो पाए। तो इस तरीके से जो आपका फाइनेंशियल सिस्टम है वो हेल्प करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। तो किन पॉइंट्स के थ्रू हम कह सकते हैं कि जो फाइनेंशियल सेक्टर है वो रोल प्ले करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए, वो पॉइंट क्या है, एज फॉलोज हम पढ़ रहे हैं। पहला है प्रमोट सेविंग्स। फाइनेंशियल सेक्टर सेविंग्स को प्रमोट करता है। जो बैंक्स हैं वो किसका पार्ट है, बैंक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं और बैंक पार्ट हुए फाइनेंशियल सिस्टम का, और बैंक कलेक्ट करता है जो हाउस होल्ड सेविंग्स है, कॉर्पोरेट सेविंग्स हैं उनके, उनको डिफरेंट स्कीम्स के थ्रू, रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम, फिक्स डिपॉजिट स्कीम, हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट वो ऑफर करता है सीनियर सिटीजन्स को, एक्सेट्रा जैसी जो स्कीम्स हैं उनके थ्रू जो भी हाउस होल्ड सेविंग्स हैं और जो कॉर्पोरेट सेविंग्स हैं उनको वो कलेक्ट करते हैं और उन सेविंग्स को इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर्स में वो इन्वेस्ट करते हैं। देन हेल्पफुल इन इन्वेस्टमेंट ऑफ सेविंग्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड करती है आपके रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन पर, और रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो डिपेंड करेगा इन्वेस्टमेंट ऑफ सेविंग्स पर, कि जो आपकी सेविंग्स है आप उसे कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, आप उसे एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट कर रहे हो, इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट कर रहे हो, या इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रहे हो। तो ये सब चीज़ें जो पॉसिबल होती है वो फाइनेंशियल सिस्टम के थ्रू ही पॉसिबल होती हैं। नेक्स्ट इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं आपके, जैसे बैंक हो गया या अदर इंस्टीट्यूशंस हो गया, वो लोन प्रोवाइड करवाते हैं जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उनको, क्रेडिट की जो उनकी नीड है वो फुलफिल करते हैं, क्रेडिट क्रिएट भी करते हैं। तो क्रेडिट क्रिएट करके जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं। देन हेल्पफुल इन डेवलपमेंट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर। हर एक कंट्री जब अपने 5 ईयर्स प्लान्स बनाती है कि आगे हम अपने अपने आप को 5 साल बाद कहाँ खड़ा पाते हैं, तो वो उसमें ये डिसाइड करती है बेसिकली कि हमारे प्रायोरिटी सेक्टर्स क्या रहेंगे। प्रायोरिटी सेक्टर्स का मतलब है कि आपने एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना है या इंडस्ट्रियल सेक्टर को बढ़ावा देना है ज़्यादा, या आपने जो आपका सर्विसेज ट्रेजरी सेक्टर है उसको बढ़ावा देना है आपने। तो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो हेल्प करते हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर। वो उस गवर्नमेंट के प्लान के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं कि किस सेक्टर को आपने क्रेडिट देना है और किस सेक्टर को क्रेडिट नहीं देना है। देन नेक्स्ट इज़ योर हेल्पफुल इन बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। बैंक्स जो हैं, स्पेशली रीजनल रूरल बैंक्स जो हैं, वो इस चीज़ के लिए बनाए गए हैं कि जो आपका रूरल एरियाज हैं वहाँ पे आप बैंक ब्रांचेस खोलो, रूरल एरियाज में, रिमोट एरियाज में, जो रूरल एरियाज के लोग हैं उनकी सेविंग्स को आप कलेक्ट करो और उसे इन्वेस्ट करो। तो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो हेल्पफुल होते हैं इन मेकिंग द बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। देन आता है आपका हेल्पफुल इन प्रमोटिंग एक्सपोर्ट्स। बैंक्स हेल्प करते हैं एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए, इसके लिए वो एक्सपोर्ट क्रेडिट भी प्रोवाइड करवाते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक भी इसी चीज़ के लिए बनाया गया है। देन आता है आपका हेल्पफुल इन एंटरप्रेन्योरल डेवलपमेंट। एंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं, वो पर्सन जो बिजनेस स्टार्ट करता है। नॉर्मली जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो हेजिटेट करते हैं किसी भी नए प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने में, क्योंकि उनके पास फंड्स नहीं होते हैं। तो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो उनको इजी लोन प्रोवाइड करवा के हेल्प करते हैं कि वो जो एंटरप्रेन्योर्स हैं अपने जो न्यू प्रोजेक्ट्स हैं उनको वो सेटअप कर सकें। नेक्स्ट जो है पॉइंट्स हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।